तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि गन से निकलने वाली पहली गोली और आखिरी गोली केवल हेडशॉट लग रही है। इस ट्रिक को अगर आप लोग सीख जाते हैं और मेरे द्वारा बताई गई मोबाइल सेटिंग को अगर आप लोग एक बार कर लेते हैं तो गन से निकलने वाली पहली गोली केवल हेडशॉट लगेगी। इस ट्रिक को आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड में अप्लाई करके नहीं दिखाया है, मैंने फुल मैप में अप्लाई करके दिखाया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये वाली ट्रिक फेक है और मैंने फेक वीडियो बनाया है। इस ट्रिक को फ्री फायर के प्रो से प्रो प्लेयर यूज करते हैं, जितने भी बड़े से बड़े लेजेंड्स हैं ना वो लोग इसी ट्रिक को इसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि ये वाला ट्रिक और ये वाला एप्लीकेशन कौन सा है तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले स्टेप में मैं आप लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को मोबाइल की सेटिंग बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उस ऐप का नाम है ऑटो क्लिकर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है और जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपके सामने एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मंगाएगा। तो आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी में जाना है, वहां पर आप लोगों को मिलेगा डाउनलोड एंड सर्विस। डाउनलोड एंड सर्विस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी को ऑन करने के लिए बोलेगा। उसको जैसे ही आप लोग ऑन करेंगे तो आपके सामने अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को अलाउ कर देना है। उसके बाद आप लोगों को बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन का इंटरफेस आएगा जिसमें आप लोगों को सिंगल टारगेट मोड दिखाएगा, दूसरा मल्टी टारगेट मोड दिखाएगा। तो आप लोगों को मल्टी टारगेट मोड को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको इनेबल करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। तो इस पॉपअप के अंदर 6 सेटिंग है, इसके बारे में अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो अभी आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। ये वाला पॉपअप आने के बाद आप लोगों को फ्री फायर गेम को ओपन करना है और फ्री फायर गेम जैसे ही आप लोगों का ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहले जाना है और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने के बाद आप लोगों को इसमें कुछ सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पॉपअप आया था ना इसमें आप लोगों को कितनी सेटिंग मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले प्ले का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद प्लस का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आप लोग एरो का ऑप्शन मिलेगा, माइनस का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। और आप लोग अगर इस पॉपअप को लेफ्ट या राइट साइड में स्क्रॉल करना चाहते हैं तो नीचे वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को सेटिंग किस तरीके से करनी है, तो सेटिंग करने के लिए आप लोगों को प्लस वाले बटन पर 4 बार क्लिक करना है ताकि आपके सामने 4 बटन आ जाएंगे। तो जिस पर 1 लिखा हुआ है ना उसको आप लोगों को स्कोप वाले बटन पर सेट कर देना है और जिस पर 2 लिखा हुआ है उसको भी आप लोगों को स्कोप वाले बटन पर सेट कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद जो तीसरा बटन है उसको आप लोगों को जंप वाले बटन पर सेट कर देना है और जो चौथा बटन है उसको आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन पर सेट करना है। अगर आपकी कस्टम एचडी में लेफ्ट फायर बटन नहीं है तो आप लोगों को फ्री फायर की सेटिंग में जाना है, लेफ्ट फायर बटन को ऑन करना है तो आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने लेफ्ट फायर बटन आता है तो उसके ऊपर आप लोगों को चौथे वाले बटन को सेट कर देना है। तो अगर आप लोगों की ये सभी सेटिंग हो जाती है तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि क्या आप लोग प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या आपके बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने प्ले बटन पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा स्कोप भी खुल रहा है, मेरी गोलियां भी चल रही हैं। उसके बाद आप लोगों को सेटिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके पहले आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट से हमारे चैनल पर 47,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। हमें आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब आप लोगों को सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नंबर का ऑप्शन, वहाँ पर 10 लिखा होगा तो 10 को हटा करके आप लोगों को 1 कर देना है और उसके बाद आप लोगों को सेव कर देना है। बस अब आप लोगों का 50% काम कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जैसे ही मैं प्ले वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो गन से निकलने वाली गोली केवल हेडशॉट लग रही है। आप लोग बैकग्राउंड में देखिए केवल रेड नंबर लग रहे हैं। ये वाली ट्रिक प्रॉपर तभी वर्क करेगी जब आप लोग फोन के अंदर एक कुछ सेटिंग भी कर लेंगे। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको स्मॉल विथ का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको 460 पर सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन में दूसरी सेटिंग को फाइंड करना है जिसका नाम है 4xMSAA, उसको आप लोगों को ऑन कर देना है। तीसरी सेटिंग है विंडो एनिमेशन स्किल, इसको आप लोगों को फास्ट कर लेना है। और चौथी सेटिंग है पॉइंटर स्पीड, इसको आप लोगों को हाई कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने गेम के अंदर जाना है, सेंसिटिविटी सेटिंग में जाना है और आपको जनरल को 100 रखना है और रेड डॉट को 97 रखना है और बाकी की सभी सेटिंग को आप लोगों को पूरा 100 पर सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने किया है। तो मैंने अपने फोन के अंदर सभी सेटिंग को अप्लाई कर लिया है और ऑटो क्लिकर एप्लीकेशन में भी सेटिंग कर ली है। इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बरमूडा मैप के अंदर गन से निकलने वाली पहली गोली और आखिरी गोली केवल हेडशॉट लग रही है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस बैन हो जाएगा, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका डिवाइस बैन नहीं होगा इस एप्लीकेशन को यूज करने के बाद। मैं अपनी पर्सनल आईडी में इस एप्लीकेशन को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं और मैं भी इस एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा यूज करता हूं। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो एप्लीकेशन है आप लोगों के हेडशॉट रेट बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा अगर आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को एक बार अपने फोन के अंदर रख लेते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका डिवाइस अभी बैन है और आप लोग उसको अनबैन करना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।